मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के प्रशासन अकेडमी में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान दें। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के नियम सरकार ने ही बनाए हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम इसमें बदलाव भी करेंगे। हर चीज को हम अवैध कैसे कह सकते हैं? और ये जो अवैध का टैग लगा है, इसको हटा के सारी कॉलोनी वैध की जाएंगी। इज्जत से जीने का अधिकार, मान से जीने, सम्मान से जीने का हक, यह हमें डरनी है। ये जरूर है कि अभी आप ध्यान रखो, नई अवैध कॉलोनी कोई ना बने। घरौंदे की कीमत वो जानते हैं जिनका घर नहीं होता, और इसलिए यह फैसला पूरी मानवीय संवेदना के साथ हमने लिया है। सीएमओ भी ध्यान रखे, कमिश्नर भी ध्यान रखे, ये किंतु परंतु नहीं चलेगा। वैध करना है मतलब वैध करना है, एक लाइन का मेरा आदेश है, निर्देश। मुझे शिद्दत से उस काम में जुटिए और मुझे परिणाम चाहिए। आज ये कार्यशाला इसलिए बुलाई कि जितना डिस्कस करना है कर लें, क्या कठिनाई है वो बता दें, कई संशोधन कर दिए, उनके कारण दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आती तो फिर बता दो, कोई और संशोधन है वो भी कर देंगे। और इसलिए कॉलोनी में मीटिंग्स होंगी, उनको इकट्ठा कीजिए, समझाइए, जो फॉर्मेलिटीज है पूरी कीजिए, प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए, और 15 अगस्त आखिरी डेडलाइन है, 15 अगस्त को हम मुक्ति दिला देंगे अवैध कॉलोनी से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडे अपराधियों के जितने भी अवैध कब्जे हैं उन्हें फौरन ध्वस्त किया जाए। गुंडों के जो अवैध निर्माण है ध्वस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करो। मैं तो एक डर का माहौल अपराधियों में पैदा करना चाहता हूँ। अपराधी बचेगा नहीं किसी भी कीमत, मध्य प्रदेश की धरा पर। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन आकाश बरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।